औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस लेक्चर इज़ फ्रॉम 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। एज़ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड हिज वर्क वाज जॉन डब्रीनियर। जॉन डब्रीनियर प्रेजेंटेड हिज लॉ इन 1829। हिज लॉ इज़ नोन एज लॉ ऑफ ट्राइएड, विच मीन पेयर ऑफ थ्री। एक्चुअली ही अरेंज थ्री एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक मासेस एंड ही सेट इन एवरी पेयर द सेंट्रल एलिमेंट मास इज सिमिलर टू द मीन एटोमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अदर साइड्स ऑफ द मिड वन एलिमेंट। दिस वॉज हिज लॉ। हिज लॉ डिडंट गेन मच इम्पोर्टेंस बिकॉज दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली इन फ्यू केसेस। Then the next scientist who presented his work was Newland. John Newland presented his law in 1863. His law is known as law of octave. He arranged 16 known elements and he considered that every 8th element have the similar properties to the first element. Agar hum usse 8th एलिमेंट से काउंट करें, जैसे यहाँ सोडियम लिखा हुआ है, इससे अगर हम काउंट करें जो इसका फर्स्ट एलिमेंट बनता है दैट इज़ लिथियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम। इसी तरीके से चाहे हम सीक्वेंस में कहीं से भी स्टार्ट करें, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उससे जो आठवां एलिमेंट होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम। दिस वॉज कंसिड्रेशन ऑफ न्यूलैंड। हिज लॉ फेल्ड because this law was applicable on the initial 16 elements and even he didn't included hydrogen in his sequence. Then Laudermeyer came and he presented his law. Laudermeyer law is based on atomic masses and atomic volume. His work was not published because in the same year Mendeleev presented his law. So our now topic is Mendeleev periodic table. In this lecture we will study Mendeleev periodic table. The important thing that should be remembered is these all laws are based on the concept of atomic masses. ये तमाम की तमाम laws atomic masses पे दी गई थी. So the Mendeleev, let's see what Mendeleev said. Mendeleev in 1869 presented his law. He also arranged element according to the increasing atomic masses. So what it states, the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights. यानी कि elements की जो physical और chemical properties होती हैं वो उनके atomic weights के हिसाब से होती हैं। एटॉमिक वेट किसे कहा जाता है, एटॉमिक मास को। एन एटॉमिक मास इज बेसिकली द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। सो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक मास के हिसाब से होती हैं। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट ही अरेंज्ड अ टेबल। बेसिकली ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who made a table to arrange the elements. ये वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एक टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। सो द फर्स्ट सेलियंट फीचर ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज इट हैज़ 8 वर्टिकल कॉलम्स दैट आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड 12 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड एज पीरियड्स। As you can see in the diagram over here, it is very clear that जो लंबाई में आपको नज़र आ रहे हैं, I am also mentioning here, जो आपको लंबाई में नज़र आ रहे हैं, these all are vertical columns और इन्हें कहा जाता है groups। और जो आपको चौड़ाई में नज़र आ रहे हैं these, अगर आप इसे चौड़ाई में पढ़ें तो ये कहलाती हैं horizontal rows और इन्हें कहा जाता है periods। सो बेसिकली मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स बनाए गए और 12 पीरियड्स बनाए गए। दिस वॉज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। सेकेंडली
एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट ग्रुप में अरेंज होंगे, यानी वर्टिकल कॉलम मीन्स ग्रुप में अरेंज होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, लाइक ग्रुप 1A में लीथियम सोडियम पोटाशियम इज़ प्लेस्ड, सो ऑल दीज हैव सेम प्रॉपर्टीज़, लाइक दीज ऑल आर मेटल्स, दे लॉस इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म बेसिस एंड एक्सेट्रा। तमाम के तमाम ग्रुप्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की खसूसियत ये बताई गई कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। द थर्ड पॉइंट वॉज वैकेंट स्पेसेस लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड एंटिल 10। वॉट डज इट मीन वैकेंट? वैकेंट मीन्स खाली। यू कैन सी ओवर हेयर इन द डायग्राम एज वेल, कुछ आपको खाली जगहें नज़र आ रही हैं हेयर, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस। वैकेंट स्पेसेस खाली जगहों को कहा जाता है। बेसिकली मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगहें छोड़ी और उनके नाम भी रख दिए, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एका का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि ये पहले रखे गए और इनके नीचे जगहें खाली छोड़ दी गई ताकि जो न्यू एलिमेंट्स आए वो उनके अंदर प्लेस कर दिए जाएँ। Then the fourth important point is the group number indicate the higher valence that can be attained by the elements of that group. जो basically group number होता है here, ये जो group number होता है वो बताता है कि किसी भी group की highest valency क्या होगी। यानी कि अगर हम इसको consider करें, ये group 1 है, इसकी highest valency इसके group number से ही समझ में आ रही है। What is valency? Valency is basically, या valence किसे कहा जाता है, the word valence means last, word valence का मतलब क्या होता है, last। तो basically last shell अगर होगा किसी भी atom का, इसे valence shell कहा जाता है। This one is the last shell, so it is called as valence shell। और उसमें पाया जाने वाला जो electron है वो valence electron कहलाता है। यानी कि जो लास्ट शेल में, जो लास्ट शेल है वो वैलेंस शेल कहलाता है और जो लास्ट शेल में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम कि जो वैलेंस शेल होता है वो बेसिकली ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेसिकली ग्रुप नंबर की बेस पर होता है। जैसे कि अगर ग्रुप नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। सो दिस वाज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नाउ देयर वर सम एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज इट हेल्प इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टमैटिक स्टडी से मुराद होता है कि अगर हमें किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो हम उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक, यानी कि आप एक तरीके से पढ़ सकते हैं चीज़ को। जैसे कि अगर आप ग्रुप 1A में देखें, सो देयर आर 3 एलिमेंट्स विच आर हाईलाइटेड, लाइक लीथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। These all are a member of group 1A, and if you consider the diagram, you can see in the diagram as well. Diagram, the last shell electrons are similar in all of the elements. All elements have one electron in their outermost shell. It means that elements of group 1A will have last नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1। सो दिस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी कि अगर हमें लिथियम का पता चल गया दैट इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट मीन्स दैट द अदर एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। दिस वॉज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर हम समझे तो ये पहली एग्जांपल है कि ये क्या होंगे, सेम। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, दैट दीज ऑल आर मेटल्स। जब हमें पता चला सोडियम इज़ अ मेटल एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अ ग्रुप 1A, सो ऑल अदर एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1A आर ऑल्सो मेटल्स।
So this is systematic study. Then the second important point is prediction of new elements was made possible. Prediction means andaza lagana. Basically, Mendeleev periodic table helped to predict the elements that were not discovered on that time. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद थे जो कि उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से उनका भी अंदाज़ा लगाना आसान हो गया था. जैसे कि ये वाले एलिमेंट्स की जगह खाली छोड़ी गई थी, इनके ऊपर एलिमेंट जो अरेंज हुए थे इनके नाम रखे गए थे, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन. और ये चीज़ प्रिडिक्ट की गई थी कि इनके बाद भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और उन्होंने उनके हवाले से जो भी प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट की थी वो तमाम की तमाम बिल्कुल सही साबित हुई बाद में. और बाद में उनकी जगह जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके नाम रखे गए स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. द थर्ड एंड द लास्ट एडवांटेज ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज इट हेल्प इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस. सो द प्रीवियसली देर वर मैनी एलिमेंट्स हुम मासेस वर नॉट करेक्ट, लाइक बेरीलियम, इट्स मास वॉज 13.5 प्रीवियसली, बट मेंडलीव करेक्टेड इज मास, नाउ इट इज 9. ही ऑल्सो करेक्टेड मास ऑफ वेरियस अदर एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच फ्यू ऑफ देम आर हेयर, इंडियम एंड यूरेनियम. So these all are the advantages of Mendeleev periodic table. Besides these advantages, there are some defects of Mendeleev periodic table. So we will study one by one. So the first defect of the Mendeleev periodic table was element of higher atomic masses were placed before the elements of the lower atomic masses. Yani ke aise element jinke masses zyada the unhe lower atomic masses walon se pehle rakh diya gaya. Just you can see an example of argon. It was placed before potassium, which is 39. It was placed it was placed after argon. Then cobalt was placed before nickel, that is 58.6, and tellurium was placed before iodine. So these all elements which carries higher atomic masses were placed before the elements of lower atomic masses. यानी कि तमाम जो ज़्यादा higher atomic masses वाले elements थे उन्हें lower atomic masses वालों से पहले रख दिया गया. Then the second defect was there was no place of isotopes of the elements. First we need to understand the term isotopes. Isotopes कहा जाता है elements को जिनके atomic numbers same होते हैं, that are same atomic numbers. You can see over here atomic numbers are same but the masses are different. अगर masses different होते हैं तो इसे कहा जाता है isotope. एक ही element के अगर masses different होंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है, isotope कहा जाता है. So if we take example of hydrogen, it has three isotopes, protium, deuterium and tritium. Mendeleev didn't consider isotope in his classification. He only placed one element, like he only placed protium, but he didn't consider the other isotopes of it. So this was the drawback of the Mendeleev periodic table. That if he is arranging according to the increasing atomic masses, so the isotopes have different atomic masses, so each element which have the isotope should be mentioned in the classification, but he didn't mention any of the isotope. The third defect is dissimilar elements were placed in the same group. You can see an example of group 1 over here. Copper, silver, Ag and Au, that is gold. They all were placed with the group 1A elements, but their properties are very much different to these elements, the group A elements. इनकी जो properties थी वो group 1A elements से काफ़ी different थी, still they were placed in group 1A. Similar elements were placed in different groups. Like उन्होंने जो dissimilar थे उन्हें एक group में रख दिया था,
बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर वालों को दूसरे ग्रुप में रख दिया, जैसे कि यू कैन सी द हाइलाइटेड एलिमेंट्स बेरियम एंड लेड हु सिंबल इज पीबी, दे बोथ हैव सेम प्रॉपर्टीज बट दे वर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. द लास्ट डिफेक्ट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वाज इट फेल्ड टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. There was no information of periodic, atom in his entire classification. Like how many electrons are present, how many neutrons are present, what will be the charge of the entire nucleus. So any information about the structure of atom was not cleared in the Mendeleev periodic table. So this was all about Mendeleev periodic table. Now in our next lecture we will study the modern periodic law. जो आज हम periodic table पढ़ते हैं that is according to the modern periodic law. In the next lecture we will study modern periodic law. Till here it is just JazakAllah.